नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ में दूसरे चरण में वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान बता दें कि ये जानकारी दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि खेल महाकुंभ अनूठी पहल है जो बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका और मंच प्रदान करेगी। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 2021 से स्थानीय लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में सहभागिता करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण के उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 में किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ में पहले चरण में आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 दौरान किया गया और अब दूसरे चरण का आयोजन 18 जनवरी से यानी कि आज से 28 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी तेज नजर आ रही है। आरजेडी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। सुधाकर सिंह को संबोधित इस नोटिस में लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आपको यह नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप गठबंधन धर्म की मर्यादा का लगातार पालन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मानित से यह किया गया था कि गठबंधन के मसलों और शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बात करेंगे। आपने लगातार इस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। आपका बयान लगातार इस ताकतों को बल देता है जो संविधान को रौंद कर न्याय सौहार्द और समानता की परोकारी को खत्म करना चाहते हैं। आपके आपत्तिजनक बयान देश प्रदेश और आरजेडी के एक बड़े वर्ग के आहत कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के संविधान की धारा नियम 22 के तहत आप 15 दिन के अंदर में यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपको आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बताते चले कि नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद ही सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से हटना पड़ा था और इसके बावजूद सुधाकर सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और हालांकि पिछले कुछ दिनों से सुधाकर सिंह से ज्यादा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर भी दिए गए बयान पर बहस छिड़ी हुई है, पर सुधाकर सिंह को आरजेडी का नोटिस कई तरह के संकेत दे रहा है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे। 19 से 23 जनवरी तक भागवत बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 5 दिवसीय इस दौरे के दौरान भागवत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कोलकाता में शहीद मीनार मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। उनके दौरान से बता दें कि उनके दौरे से पहले मंगलवार को कोलकाता प्रेस क्लब में संघ की दक्षिण बंगाल शाखा की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। संघ के दक्षिण बंगाल के प्रचार प्रमुख विलप राय ने बताया है कि इस साल संघ प्रमुख का यह पहला बंगाल दौरा होगा। उन्होंने बताया है कि 19 को आपके दौरे के पहले दिन संघ प्रमुख शहर की कुछ प्रमुख हस्ती सहित संघ के अनुष्ठानिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। 22 जनवरी तक उनका मुलाकात का कार्यक्रम चलेगा और जिसमें समाज के विभिन्न तबके के लोगों के साथ संघ के जुड़े विचार, समान विचार, परिवारों के लोग भी शामिल रहेंगे और इस दौरान बंगाल में संघ के पदाधिकारियों के साथ वे कई दौरे के संगठनिक बैठक भी करेंगे और इसमें राज्य के आरएसएस के क्रियाकलापों को विस्तार से लेकर चर्चा की जाएगी।
वहीं फरुखाबाद में डीएम के आदेश पर भी गौवंश पकड़ने जा रहे भड़के किसानों ने सैकड़ों गौवंशों को बता दें कि बीते दिन तहसील परिसर में बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि रात भर जग कर हम खेत में फसल की रखवाली करते हैं, जिसके कारण चोर घरों को निशाना बनाते नजर आते हैं। दरअसल अमृतपुर तहसील के करीब एक दर्जन से अधिक गाँव में सैकड़ों लोगों ने 700 से 800 गायों को तहसील परिसर में लाकर बंद कर दिया। वही थाना अध्यक्ष संत प्रकाश पटेल के ग्रामीणों को मुकदमा लगवा देने की धमकी से भड़के किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किसानों का ये उग्र प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है। अमृतपुर पुलिस की गुंडई आए दिन बता दें कि गायों को ले जा रहे किसानों को पुलिस दौड़ दौड़ कर पीटते हुए नजर आई है। और इस दौरान देखिए किसानों को पुलिस द्वारा पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस की बर्बरता से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस दौरान किसानों का पीटने का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा किसानों को पीटने का वीडियो होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ नजर आया है। बता दें कि ये पूरा मामला जो है अमृतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर किसानों पर पुलिस बरसते हुए नजर आई, किसानों को पीटते हुए नजर आई। और देखिए किस तरीके की वहां की अफरा तफरी का माहौल की ये तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में ग्राम प्रधान ने मनरेगा मॉनिटरिंग ऐप के विरोध में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, जिसमें विरोध में ग्राम प्रधान ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट व्यवस्था नहीं है तो उसे मजदूरों की उपस्थिति कैसे दर्ज हो और उनका भुगतान कैसे किया जा सके, या फिर सरकार सभी ग्राम सभा को वाईफाई कनेक्टिविटीज उपलब्ध कराए, या फिर ऐप पर उपस्थिति दर्ज होने की दशा में ग्राम प्रधानों को वह शक्ति प्रदान की जाए जिससे मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर उनका भुगतान कराया जा सके। आपको बता दें कि श्रावस्ती विकास खंड गिलोला खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधान संघ अध्यक्ष उमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विकास खंड के सभी ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय में प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री को संबोधित बता दें कि ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया है। सीधे सीधे हम लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे पिछड़े जिले में संभव ही नहीं है, बल्कि हर जगह दिक्कत आएगी। दूसरी चीज सबसे जो बड़ी चीज है कि जब सरकार ने पंचायती राज विभाग में हम लोगों को 5 लाख की स्वीकृति दी है कि पंचायत में 5 लाख तक का हम लोगों को पावर है कि हम कार्य कर सकते हैं, तो मनरेगा में भी 5 लाख तक की हम लोगों की व्यवस्था दी जाए, हम लोग स्वयं उसका पेमेंट करें। इससे हर गांव में जो जितना 60-40 के रेशियो में बजट है वो प्रधान स्वयं अपने आप काम करवाएगा उसके तहत और अपना पेमेंट कर लेगा, तो इससे दिक्कत खत्म हो जाएगी। अटेंडेंस ऐप का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे हमारा लेबर जो लगेगा वर्क पे, 11 बजे और 2 बजे उसका अटेंडेंस लिया जाएगा। यदि उस बीच में नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क सिस्टम ध्वस्त रहता है, तो उस दिन का मजदूरी कौन देगा। और सबसे बड़ी दिक्कत और है कि मजदूरी बहुत ही कम है, 213 रुपये पे मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है आग्रह करते हैं और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है आज खंड विकास अधिकारी महोदय को कि कम से कम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन जरूर किया जाए। और श्रावस्ती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस दौरान बता दें कि प्रधान संघ के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और साथ ही मनरेगा मॉनिटरिंग ऐप का ये विरोध किया जा रहा है। तमाम तरीके की मांग की जा रही है। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा मॉनिटरिंग ऐप के विरोध में बता दें कि विकास अधिकारी कार्यालय में ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरों के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत मजदूरों को मजदूरी ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, जिसके विरोध में ग्राम प्रधान के मोर्चा खोल दिया है। और ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि इस तरीके का सिस्टम लाया जाता है और इस तरीके को लेकर इंटरनेट व्यवस्था
नहीं होने के कारण वहाँ काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वे लगातार इंटरनेट व्यवस्था की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी तो मजदूर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे, उनका भुगतान कैसे किया जाएगा या फिर सरकार सभी ग्राम सभा को वाईफाई कनेक्टिविटी की व्यवस्था उपलब्ध करवाए। लगातार ये मांग उनके तरफ से की गई है। साथ ही बता दें कि ग्राम प्रधानों को वो शक्ति प्रदान की जाए जिसके मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर उनका भुगतान कराया जा सके, ये लगातार उनकी मांग है और जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन है किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के विकास खंड गिलौला खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधान संघ अध्यक्ष उमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विकास खंड के सभी ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय में यह प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा गया है और लगातार अपनी मांग रखी जा रही है कि जिस तरीके से मनरेगा मॉनिटरिंग ऐप जो लॉन्च किया गया है सरकार के तरफ से उसको लेकर व्यवस्था की जाए और साथ ही या तो इंटरनेट की सुविधा दी जाए या कहीं ना कहीं वाईफाई की सुविधा दी जाए जिससे वहाँ के जो लोग हैं वे मजदूर हैं वे अपने आप को लेकर वो इंटरनेट का उपयोग कर सके और साथ ही अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा सके। अब खबर सीतापुर से है जहां पर जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब स्थानीय पुलिस मामले की हिला हवाली करती है तो जमीन स्तर पर मामले में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। एक ऐसा ही मामला सीतापुर जनपद के कोतवाली देहात की चौकी कचनार इलाके में सामने आई है जहां पीड़ित व्यक्ति ने 21 वर्षीय पहले जमीन का बेनाम करवाया था। जब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे इकट्ठा कर बनवाने के लिए पहुंचा तो दबंगों ने कब्जा करने बता दें कि दबंगों ने कब्जा कर दिया और साथ ही पीड़ित व्यक्ति चौकी कचनार पहुंचे और इस दौरान चौकी प्रभारी शशांक पांडे से पूरी आपबीती बताई और इस दौरान चौकी प्रभारी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पीड़ित को आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कहते हुए नजर आए हैं। मामला है चाचा आज यहाँ चौकी पे आए हैं। चौकी पे आए इसलिए हैं कि भैया हमने 2001 में ये बैनामा कराया था। आज जब हमारे पास कुछ पैसे हुए तो हमने मकान बनवाने सोचा, उसके बाद वो दबंग लोगों ने हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। हमारी रजिस्ट्री जी 21 साल पुराने वो कह रहे हैं जाइए कोर्ट जाइए वहाँ जाइए वहाँ। जब हमारी रजिस्ट्री है तो सर रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रह गया क्या? अच्छा चौकी आए थे दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा जी ने विश्वास दिया है कि आपकी रजिस्ट्री है आपकी मकान बनवाया जाएगा। आपका नाम? जाहिद अली अंसारी। कहाँ का मामला है ये? कटनार। और सीतापुर का ये मामला है जहाँ पर बता दे कि दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान ये जमीन विवाद का मामला है जिसको लेकर लगातार दबंग जो है एक व्यक्ति को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। लेकिन बता दें कि लगातार जमीनी स्तर पर मामले में पीड़ित को न्याय नहीं मिला जिसके बाद से ये पूरा मामला आपको बता दें जहां सीतापुर जनपद के कोतवाली देहांत में चौकी कचनार इलाके में एक पीड़ित व्यक्ति जो 21 वर्षीय पहले जमीन का बेनामा करवाया था और अब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे इकट्ठा कर बनवाने के लिए जब वहां पहुंचा तो दबंगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस दौरान लगातार पीड़ित व्यक्ति जो है वे थाने में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। चौकी प्रभारी शशांक पांडे से उसने अपनी पूरी आपबीती बताई जिसके बाद से लगातार वे पीड़ित को आश्वासन देते हुए नजर आए हैं और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि इस दौरान दबंगों की दबंगई जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। पीड़ितों को किस तरीके से उनकी ही जमीन नहीं दी जा रही है जिसको लेकर लगातार पीड़ित जो है न्याय के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। प्रशासन से वे लगातार इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए और इस दौरान बता दें कि उनको आश्वासन दिया गया है और साथ ही जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले इसकी बात उनके सामने कही गई है जिसके बाद से पीड़ित जो है वे काफ़ी खुश नजर आए और इस दौरान बता दें कि वे चौकी प्रभारी के पास पहुँचे थे जिसके बाद से चौकी प्रभारी ने इस बात की समस्या को सुनते हुए दबंगों से जल्द राहत दिलाने की बात कही है।
अब खबर बांदा से है, जहां पर खूंखार जंगली जानवर के हमले से किसान लघु हाहान हो गया है। वही बता दे, किसान की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से खूंखार जंगली जानवर से किसान की जान बचाई है। ग्रामीणों की पिटाई से खूंखार जंगली जानवर कैरे चुकी मौत हो गई है। वही घायल किसान को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद से गांव में नदी किनारे जंगल में खूंखार जानवरों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये बांदा की तस्वीर है, जहां पर लगातार खूंखार जानवरों से ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है। और इस दौरान एक खूंखार जानवर ने एक बार फिर से एक ग्रामीण को अपना निशाना बनाया, और जिसके कारण उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही बता दें कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर के हमले से किसान जो है लहूलुहान हो गया था, और इसके बाद से उसने चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग वहाँ पहुँचे और किसी तरीके से उसकी जान को बचाई गई। इसके बाद से एम्बुलेंस की मदद से उस किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इस दौरान उसका इलाज लगातार जारी है। लेकिन ये खूंखार जंगली जानवर को लेकर गाँव वालों में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये खूंखार जंगली जानवर जो है लोगों को परेशान करते हुए नजर आते हैं, और इस तरीके की घटना आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ये खूंखार जानवर जो है लोगों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। मेरा नाम दत्ताराम है। अठे बताओ, कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है तुम्हारे? हम लोग निमंत्रण गए थे, निमंत्रण खा के मैं अपने गांव जा डेरा जा रहा था। हाँ। नदी किनारे आकर आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर। कौन है जानवर? जानवर करंज बता रहे हैं इसको। तो क्या कैसी घटना हो गई? ये आकर अचानक मुझे पकड़ लिया, और जब हमला करने लगा तो फिर मैं पकड़ ही लिया था हाथ में। हाँ, इसके बाद मैं चिल्लाता रहा, पकड़ लिया था, फिर जब कोई आवाज़ नहीं सुना तो फिर मैं उसके ऊपर अटैक करने, फिर हम दोनों एक घंटा तक बराबर लड़े, फिर उसको दबाए पा गया गड्ढे में। हाँ, तो उसको जाने नहीं दिया, फिर उसी तरह छोटा डंडा था, उसी डंडा से इसको वार करते करते। स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ द्वारा महिलाओं को रोजगार का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला ये सामने आया है, जहां पर पीड़ित महिलाओं ने आज राजघाट थाने का घेराव किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में आरिफ अंसारी और साथ ही आफरीन बानो नाम की दो बता दें कि ठाकुर द्वार स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन नाम के एनजीओ शुरू किया गया था। इन एनजीओ के द्वारा महिलाओं को 765 प्रति महिला जमा कराया गया, और साथ ही इन्हें प्रतिमाह 4000 का रोजगार देने की बात कही गई। इन महिलाओं से कहा गया है कि इन्हें प्रतिदिन 2 घंटा अगरबत्ती पैकेट पैक करना है, और बाद में इन्हें वेतन नहीं दिया गया। इनका सब पैसा लेकर एनजीओ के लोग चपत हो गए हैं, और पीड़ित महिलाओं ने महाराजगंज के परतावल से अफरीन बानो आरोपी को पकड़कर कल राजघाट पुलिस के हवाले किया गया है। बता दें कि प्रेम बानो के अपहरण करने के आरोप में पीड़ित समूह की महिलाओं ने खिलाफ मुकदमा लिख लिया। पीड़ित महिलाओं से बातचीत करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और मामले में बता दें कि पुलिस ने जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अफरीन बानो को महाराजगंज पुलिस के हवाले किया। इस दौरान ग्रामीणों ने, और साथ ही बता दें ग्रामीण इससे काफी नाराज नजर आए, राजघाट थाने का वो घेराव भी करते हुए नजर आए हैं। दरअसल ये महिलाएं एक अगरबत्ती का बनाने के नाम पर एक आदमी ने, आरिफ अंसारी जिसका नाम है महाराजगंज का, उसने एक एनजीओ बनाया था, जिसने एनजीओ में समूह बना बना करके महिलाओं से सदस्यता के नाम पर 1200 रुपये लेकर के उनको सदस्य बनाया हुआ था। और पहले कुछ उसने को प्रलोभन दिया था, हर महीने 2-3 हज़ार रुपये वेतन दिया जाएगा। 1-2 महीने वेतन दिया, फिर उसके बाद इन लोगों का समूह बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारा पैसा इसको मिला। इसके बाद इसने पैसा देना बंद कर, वेतन देना बंद कर दिया, जिससे महिलाएं परेशान होने लगी। फिर वो पुलिस के पास आई, अपना परेशान ही बताई, जिस पर FIR दर्ज किया गया राजगढ़ थाने में, यहाँ की पीड़िताओं के तहरीर पर, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद हुए, आरिफ अंसारी, आफरीन बानो और एक विकास यादव। इनको पुलिस की टीम लगाई गई थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें आवश्यक विधिक कार्रवाई है करने के लिए। इसी दौरान इन लोग कल जो है आफरीन बानो को कहीं से इन लोगों को पता चला कि महाराजगंज में वो किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रही, वहां पर गई दो इनोवा के साथ, उसको उठा ले आई सुबह में, दिन के 11-12 बजे करीब पकड़ी थी, और हमारे पास रात में लगभग राजघाट थाने पर 11-11:30 बजे के आसपास पहुंची।
इसी दौरान वहाँ महाराजगंज में वहाँ के आफरीन बानो के पिताजी ने मुकदमा लिखवाया कि एक उसकी बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है, कुछ लोगों ने उठा ले गए हैं, जिसके आधार पर वहाँ पर एक FIR दर्ज हुआ और वहाँ की पुलिस हम लोगों से संपर्क में आई। हम लोगों ने उनको वहाँ की पीड़िता होने के नाते उनको वहाँ दे दिया गया है, तो वहाँ पर वहाँ की आवश्यक विधिक कार्रवाई हो रही है। ये बात पूरी बात इन लोगों को बताई गई, जिस पर ये लोग यहाँ से थाने से वही गई हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर आज खानपुर थाना पुलिस ने लोगों को बता दे कि स्कॉर्पियो गाड़ी से 48 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, एक जिसकी कीमत बता दे कि 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को राघव सिंह और हर्षदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। खानपुर थाना क्षेत्र के गोमती नदी पुलिया के खरौनी से पुलिस ने यह बरामदगी की है। सबसे खास बात यह है कि आरोपियों ने गांजे के 2-2 किलोग्राम के 24 पैकेट बनाकर रखे हुए थे ताकि उनकी मार्केटिंग की जा सके। अभियुक्तों के गांजे को उड़ीसा के रास्ते बता दें कि उड़ीसा से सस्ते दामों पर लाते थे और उसे महंगे दामों पर अन्य जनपदों में बेचा करते थे। आज भी अभियुक्तों इन गांजों को बेचने के लिए वाराणसी जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। SP ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक पिता बता दें कि अभियुक्तों में से एक के पिता के ऊपर हेराफेरी के कई मुकदमे दर्ज है। लगातार पुलिस इस गिरोह की शिकायत मिल रही थी और SP ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 की इनामी की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इस दौरान पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मादक पदार्थों के विरुद्ध जो गाजीपुर पुलिस की एक मुहिम चल रही है, उसमें एक बड़ी सफलता आज खानपुर पुलिस और हमारी SWAT सर्विलेंस टीम को मिली है। इसमें 2 लोग एक स्कॉर्पियो के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करने की सूचना थी, जिस पे चेकिंग की जा रही थी। तो एक खरौना पुल पड़ता है, वहाँ पे संयुक्त टीम द्वारा जब चेक किया गया तो इन लोगों के पास से लगभग 50 किलो गांजा, जिसकी मार्केटिंग करने के हिसाब से पैकेजिंग भी कर रखी थी 2-2 किलो में, और एक अच्छी SUV गाड़ी में पकड़े गए हैं। आज इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर और एक चतुर्थ कर्मचारियों को BJP विधायक राजीव गुबर ने रेन बसेरे में शराब पीते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विधायक ने दोनों को शिकायत नगर आयुक्त से की है। BJP नगर विधायक राजीव गुबर रविवार को देर रात रेन बसेरे की चेकिंग करने पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर बने रेन बसेरे में पहुंचे तो उन्होंने नगर निगम के अधिकारी और एक चतुर्थ कर्मचारी, जिनको रेन बसेरे की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें शराब पीते हुए पकड़ा गया है। दोनों को जमकर फटकार गई है और शिकायत नगर आयुक्त से की गई है। विधायक ने बताया है कि रेन बसेरे में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली है, शौचालय और लोगों को देने वाले बिस्तर भी साफ सुथरे मिले। विधायक ने एक एक व्यक्ति से जानकारी ली और कहीं उनसे रेन बसेरे में रुकने का पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। हालांकि यह शिकायत बार बार नगर निगम को की जाती रही है और रेन बसेरों में नगर निगम के कर्मचारी लोगों से सुविधा शुल्क लेते हैं। देश की माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गरीबों के हितों के प्रति हमेशा कृतसंकल्प है और गरीबों के हितों की चिंता करती है। कोई भी गरीब व्यक्ति सड़क पर ना सोए, कोई भी गरीब व्यक्ति ठंड में, इस कड़कती ठंड में अपनी जान ना दे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। उसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर के द्वारा भी रैन बसेरे का यहाँ पर चलाया जा रहा है गांधी पार्क में। उसका मैंने कल रात्रि में औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में वहाँ जो व्यवस्थाएं थी बड़ी सुचारू रूप से पाई गई। इसके लिए मैं वहाँ पर स्वच्छ बिस्तर थे, स्वच्छ बाथरूम थे, कोई भी गंदगी नहीं थी, अच्छी रजाई, अच्छे गद्दे, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था वहाँ पर रुकने वाले यात्रियों को की गई थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और नगर निगम के अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था सहारनपुर में रैन बसेरे के रूप में की हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।